और ये अब हमारा जो है अचानक जो है पेशावर का प्रोग्राम बन गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम पेशावर जा रहे हैं मगर वो किसी व्हीकल वगैरह में नहीं जा रहे, हम पैदल जा रहे। तो रास्ते में आपको अपडेट्स देते रहेंगे और हम पैदल ही जा रहे और ये दो मेरे साथ है। तो अभी देखते हैं कि कहाँ तक चल सकते हैं मगर इंशाल्लाह पेशावर तक ही जाएंगे। अभी जो है नियत साफ तो पेशावर आसान है। अभी देखते हैं कि 10 तक पहुँचते 11 तक पहुँचते हमें कौन से जो हमारा कौन सा घर में बच्चे हो रहे हैं। हाँ बस जा रहे तो ये एक रिकॉर्ड होगा इंशाल्लाह। और स्टे ट्यून विद अस, आज तक किसी ने नहीं किया होगा, फिर इंशाल्लाह रास्ते पे मुलाकात होगी। अगली दफा हम हज पे भी इंशाल्लाह पैदल जा रहे सही है। तो फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़। और ये अब जो है हम रवाना हो चुके हैं और अंधेरा भी होने वाला है मगर इन लोगों की वजह से लेट हो गए। अब देखते हैं कब तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। क्या ज़रूरत है। और अब जो है सक्सेसफुली जो है हम लोग हमने शेख मल्तून जो है वो क्रॉस कर दिया और अब जो है जा रहे हैं नेक्स्ट जो हमारा स्टॉप है वो रशके होगा। अभी तक जिंदा है टाइगर भी जिंदा है, बिल्ली भी जिंदा है। तो चले अपडेट देते रहेंगे इंशाल्लाह रास्ते में। और ये रास्ता है रास्तियाँ मेहनत तो वो गरीब। और ये जो है अब हम रशके के नज़दीक है मगर अभी तो वहाँ पे भी रास्ता बाकी है बहुत सा। और सूरत हाल कुछ इस तरह है, अंधेरा है यार। ये मेरे जो है लोग का सत्यानाश कर देगा मगर क्या करें इनकी वजह से ही लेट हो गए। मुझे अपना घर जाना। और ये अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं द अल्लाह पे अमान। मर्दान को द अल्लाह पे अमान बोल रहे हैं। मर्दान को अलविदा कहते हुए हम लोग 11 हो गए। मर्दान को अलविदा कहते हुए हम बाबे मर्दान से निकल गए हैं। फिलहाल तो सक्सेसफुली रशके तक पहुँच गए। अब देखते हैं आगे का हाल क्या होने वाला है। फिलहाल के लिए थोड़ा सा सब्र करें। अब ये हम रशके पहुँच गए हैं और यहाँ पे जो है हम कुछ खाने को ले रहे हैं। चिप्स वाला होता है तब ये बहुत भूख लगी है सबको बहुत भूख लगी है इसलिए हम चिप्स ले रहे हैं खाने को। वाला और अब जो है ये हम पहुंच गए हैं पेशावर वाला M1 जो है M1 है पता नहीं क्या है मोटरवे जो हम पहुंच गए हैं रशके से आगे। और अब जा रहे हैं तो देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे। और दो जो है वो आगे जा रहे और मैं पीछे जा रहा हूँ। फिलहाल जो है वो जा रहा हूँ। अभी मैं आपको इन दोनों के सूरत हाल दिखा रहा हूँ। ये देखें ये हाल है भाई। और ये अब जो है भूख लगी है और मोटरवे जो है उसके साथ ही बैठ गए यहाँ पे हम लोग ये खा रहे। थोड़ा सा थक भी गए यार क्योंकि बहुत ज़्यादा रास्ता तकरीबन 15 किलोमीटर का रास्ता जो है हमने अभी तय किया है और अभी और भी ज़्यादा रहता है। और ये वाले चनाचोर कराची से स्पेशल आए हैं। शाउट आउट टू कराची। चलो आगे फिर बाद में बात करते। और अब जो है ये तकरीबन 16 किलोमीटर नौशेरा जो है वो अभी रह गया है और 6 किलोमीटर रसालपुर। बस चलते जा रहे अल्लाह के हुक्म से जा रहे बस। और ये अब हम नौशेरा पहुंच गए हैं जो नौशेरा पुल का टूल प्लाजा है वहां तक पहुंच गए हैं।
और टाइम जो है तकरीबन हम 8:23 है और अब नौशेरा वाले पुल पे जो है हम जा रहे हैं और तुम्हारी गाड़ी पीछे या आगे पता नहीं, मैं टाइम की नहीं उसकी बात। और यार काफ़ी थक गए हैं यार, पटी पटी बस अभी जाएंगे और जाएंगे क्योंकि रुकने वालों में से नहीं है हम लोग। कौन सी गली है जिधर अपना नाम नहीं और अभी यहाँ पे बहुत अंधेरा है और ये पुल जो है सामने वो मेरा भविष्य इतने अंधेरे में क्यों है। हाँ ये सूख गई है। और अब जो है हम लोग नौशेरा से आगे आ गए हैं, तकरीबन 5 किलोमीटर तक आ गए हैं और अभी मुझे नौशेरा के बाद के रास्तों का पता नहीं कि ये कौन कौन सी जगह है, बस हम लोग जा रहे और बस सिर्फ जा रहे हैं। का ये हाल हुआ है देख के जा रहे हैं। बाकी तो आपको पता होगा कि ये जीटी रोड है क्योंकि बड़े बड़े ट्रक्स जो है इस पे जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अंधेरा भी है। हमारा व्लॉग सारा ख़राब हो चुका है और हिलाल की वजह से जो है सुबह से हम नहीं निकले, इसकी वजह से हमारा व्लॉग ख़राब हो चुका है। चलो थोड़ा सा उजाला हो गया। चलिए और अपडेट्स में रास्ते में देता हूँ, अभी हम लोग बस जा रहे हैं फिलहाल। टूट सोना दे। और अब ये जो है हम पब भी जो है नज़दीक है, बस तकरीबन 2-3 किलोमीटर के नज़दीक ही है और कैमरे में जो है चार्ज भी ख़त्म हो गया है और मोबाइल में भी जो है वो चार्ज ख़त्म हो गया है और इनमें भी चार्ज ख़त्म हो गया है। ये बैठा है यहाँ पे वो गिलाया और अब बस चलते जाएंगे, आराम से जाएंगे। अभी तो रास्ता बहुत कम रह गया है तो बस देखते हैं कि क्या सूरत हाल होगी, थोड़ी देर बाद बात करते हैं। और ये अब जो है हम पब भी से थोड़ा सा आगे निकल आए हैं, यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है वहाँ पे बैठे हैं और बहुत ज़्यादा थक गए हैं, ये भी थक गए हैं, देखिए इतना खफा होके बैठे हैं। हेलो भाई, ये भी खफा होके बैठा है यार। बस भाई अब मैं वापस चलता हूं, जो है हालात बहुत ख़राब है यार जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है, बहुत ज़्यादा नाजुक सूरत है हाथ में। चले अभी चलते हैं, टाइम भी बहुत लेट है और हमें जाना भी है तो दोबारा से अल्लाह। 2000 years later हम विन हो गए और ये हम पेशावर पहुंच गए हैं फाइनली। यस डर के आगे पेशावर है, नो हार के आगे पेशावर, सालपुर के पीछे शेख पलतून है। यस और ये हालत बहुत ज्यादा ही खराब हो चुकी है सीरियसली यार, बस बाकी पाते हमारे पैरों ने चीये चीये शुरू किए। आज़ीन आपकी दुआओं की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा यार, हमारे पैर आवाज करने लग गए हैं यार, बस वो भी आज सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। और हम पेशावर पहुंच गए, कैमरे में जो था वो चार्ज भी ख़त्म था और ये आप देख सकते हैं पीछे हमारा पेशावर ही पेशावर है, आगे का नज़ारा है। थोड़ी देर बाद बात करते हैं। टूट और ये अब हम अड्डे वाले रास्ते पहुंच गए हैं और शादियां हो रही हैं और आप जो है वो देख सकते हैं सामने आई लव पेशावर लिखा हुआ है, वो आई लव पेशावर लिखा हुआ है। और अब हम जा रहे हैं, बस बाकी बातें हम में और स्टेमिना नहीं है, सो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर वन डे और आ जाओ। ये अब हम लोग हाशिर के घर जो है वो शॉर्टकट से जा रहे हैं, ये जो है पुल क्रॉस कर रहे हैं बर्मिंगम का और इससे जा रहे और फाइनली हम लोग हाशिर के घर पहुंच गए हैं। यहाँ पे लाइट ठीक नहीं है मगर फिर भी थोड़ा गुजारा कर लेंगे। ये उमर है, लाइट लगाओ। और ये हाशिर है,
تمام سره ملوش وی فخر 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 ستر دی مبارک شه اور مردان سے جو ہے پیدل آٹھ نو گھنٹوں کے سفر میں ہم پہنچ گئے ہیں تقریباً بدیر چیری ملن بس گھنٹے نو گھنٹے کے سفر میں ہم پہنچ گئے ہیں مردان سے پیدل پشاور اور بس باقی پاتے ہمارا حالت خراب ہے پیر میر کام نہیں کر رہے اوپر جا کے بات کرتے ہیں اور اب ہم پہنچ گئے ہیں حاشر لوگوں کے گھر اور بس سب کے حالات خراب ہے کیونکہ بہت زیادہ راستہ جو ہے ہم نے آج پیدل مارا ہے اور بس ابھی عمر ہمارے لیے مست چاپی کرے گا چاپی ہاں مائے کو ویچے بھی مست چائے بنائے گا چیز کیسا پی لیں گے تھوڑا سا مذاق پہ بھی اپن کو کیا ہے اپن کو ہاری چائے پینی A few moments later. अरे बर्गर खाने अफगानी बर्गर जो हमारा फेवरेट है तो क्या करें अभी पहुँचे पेशावर तकरीबन नौ आठ नौ घंटों में पहुँचाए तो अभी जा रहे बर्गर खाने रास्ते में आपको अपडेट देंगे جو ہے جو برگر کھانے آئے ہیں وہ کھلا ہے یہاں پہ اور بہت زیادہ سردی کی وجہ سے ہمارے حالات تو خراب ہے ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہیں یہ ہمارا عمر ہے اور ہم بائکس پہ آئے ہیں بہت زیادہ سردی ہے اور بس ہم برگر کا آڈر دینے گئے ہیں حاشر اور اب ہم برگر جو ہے تیار ہو چکا ہے اور اب ہم یہ کھائیں گے اور ایک نہیں دو دو کھائیں گے اور یہ سارا کریڈٹ حاشر کو جاتا ہے یہ تو پیدل آئے ہی نہیں یہ اسکیم ہمارے لیے ہے ہی نہیں دکان ہی ہمیں پکا السلام علیکم A few moments later